विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमः। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्ति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते सारस्वते Thank you.
श्री गौर निताई की लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदी ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुवन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा आवाज पीछे भी? हरे कृष्णा। ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास और सिर्फ तीन चार दिन बचे हैं, तो आप लोग जो पुरुषोत्तम मास के पवित्र पावन एकादशी के दिन मंदिर में उपस्थित हो, और जो भी लोग इस महीने में हरि मंदिर में जाते हैं, भगवान के संबंध में दो शब्द सुनते हैं, कीर्तन में जुड़ते हैं, उनको कोटि कोटि गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है बाकी समय में इन्हीं दिव्य क्रियाओं को करने में। तो आज के शाम के सत्र में हम लोग कैसे हरिनाम का जप एकाग्रत चित्त के साथ कैसे किया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप में से कितने लोग एक से चार माला के अंदर करते हो? 1-4 rounds, चार माला तक, ठीक है। कितने लोग 5-8 के अंदर करते हैं? 5-8, ठीक है। कितने लोग 8-12, ठीक है, और 13-16, ठीक है। अभी तक कितने लोग अभी माला चालू नहीं किया है, करने की इच्छा है आपको? ठीक है, अधिक मास बहुत अच्छा महीना है एक माला शुरू करने के लिए, है ना, आप लोग कर सकते हैं। ये हरे कृष्णा जप हमको परंपरा में प्राप्त हुआ है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर तरीके से हमारी परिस्थिति को समझाते हैं। अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। ये बताते हैं, हे नंद के पुत्र कृष्ण, कुछ कारणवश में आध्यात्मिक स्थिति से पतित होकर इस भवसागर में गिर पड़ा हूं, कृपया आप मुझे
इस जन्म और मृत्यु के संसार सागर से ऊपर उठाकर अपने श्री चरणों में कोटि कोटि भक्तों में से एक भक्त बना लीजिए आप, इस तरह प्रार्थना है। मैंने ये कहानी सुना, एक पेड़ के डाली में एक चींटी घूम रहा था, लेकिन अभाग्यवश वो डाली से नीचे गिर पड़ा और नीचे एक नदी बह रही थी। अगर एक चींटी नदी में गिरता है बच सकता है क्या? पानी में डूब जाएगा ना वो। लेकिन उसी पेड़ के डाली में एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने देखा ये बेचारा चींटी गिर गया नीचे, तो उसने एक पत्ते को तोड़कर नीचे डाला। जब वो पत्ता चींटी के निकट गिर पड़ा, चींटी तुरंत चढ़ गया उसके ऊपर और पत्ता ऐसे हिलाते हिलते 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 वो किनारे में पहुंच गया। उसके बाद चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसी डाली में ऊपर पहुंच गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोग एक दिव्य आध्यात्मिक स्थिति आत्मा का जो होता है भगवान के सानिध्यता में, उस परम स्थिति को त्याग कर हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जिसको संसार सागर नाम से पुकारा जाता है। जिस तरह चींटी ऊपर से नीचे गिर पड़ा, इस तरह हम भी लोग गिर पड़े हैं नीचे। अनादि कर्म फले पड़िबा वर्णव जले हरि बारे ना दे की उपाय। हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, हे कृष्णा, इस भव सागर में अगर कोई जीव गिर पड़ता है, बार बार उसको जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पड़ता है उसको। ये किसके समान है? एक पंछी को एक पिंजरे से निकालो, लेकिन स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ने के लिए ना छोड़कर उसको दूसरे पिंजरे में डाल दो, दूसरे पिंजरे से निकालकर तीसरे पिंजरे में डालना। इस तरह एक पंछी को एक व्यक्ति एक एक दो दो साल के लिए एक एक पिंजरे में डालता जाएगा, पंछी दुखित हो जाएगा, अरे मुझे स्वच्छंद छोड़ो उड़ने के लिए। इस तरह आत्मा भी स्वच्छंद होकर भगवान के धाम में बहुत प्रेम से खुशी से रह सकता है, वो भगवान के नित्य लीला में। लेकिन इस दुनिया में आकर हम लोग एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा हम लोग भटक रहे हैं। ये आवागमन बार बार होता रहता है। कभी राजा बनते हैं, कभी साधारण प्रजा बनते हैं, कभी खूबसूरत कभी बदसूरत, कभी धनी कभी गरीब, कभी मनुष्य कभी जानवर, कभी देवता कभी असुर। इस तरह अलग अलग योनियों में हम लोग घूमते हैं, जिस तरह वो चींटी नदी में गिर गया ऐसे ही। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त हमारे जीवन में जो आते हैं, वो कबूतर के बराबर है, जो कबूतर ने एक पत्ते को तोड़कर छोड़ा। इस तरह प्रभुपाद जी ने हमको उनके किताबों को दिया है, मंदिर दिया है, श्री विग्रह की आराधना दी है, हरिनाम दिया है, कृष्ण प्रसाद दिया है, हमें भगवान के साथ परिचय कराया है। इन भक्ति के विविध तरह के भेंटों को स्वीकार कर हम लोग बहुत आसानी से हमारे परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आचार्य गण दुनिया में अवतरित होते हैं हम जैसे जीवों को ऊपर उठाने के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है हमारे जीवन में, ऐसे एक सहारा, ऐसे एक आश्रय हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो हरिनाम के संबंध में प्रभुपाद जी बताते हैं, 90% प्रगति हमारे जीवन में हरिनाम के द्वारा होता है। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। एक बार सड़क में चल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ बतख, एक माता बतख थी, डक डक जानते हैं ना बतख, तो बतख के अनेक बच्चे थे, सब बच्चे भूखे थे। तो माँ कुछ खाने के लिए लेकर आई, देखा कि सब बतख मांग रहे थे मुझे दो करके, लेकिन सबसे एक छोटा बतख था, सब क्वैक 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 ऐसे कर रहे थे, लेकिन छोटा बतख जो था क्वैक क्वैक ऐसा किया, बहुत जोर से आवाज किया। तो माँ ने सोचा सबसे भूखा कौन है, सबसे छोटा, उसको पहले दे दिया उसको। तो प्रभुपाद जी इस तरह बोलते हैं, जो लोग इस दुनिया में ज्ञान को अर्जित करते हैं, बहुत बड़े पंडित बनते हैं, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, उनको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं।
ऐसे भगवान खुद ही बताते हैं गीता में भी, ना हम वेदे न तपसा ना दाने न च इज्जया शक्य एव विदो द्रष्टुम दृष्टमान शिवाम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। हे अर्जुन, चार वेदों में कोई पटु भी बन गया हो, चतुर्वेदी बन गया हो, अहम वेदय नहीं तो बड़े दुरास मुनि जैसे कठोर तपस्वी भी क्यों न हो, अगर बड़े दाने पुरुष भी क्यों न हो, अगर कोई बड़े वैदिक मंत्र का उच्चारण भी जानता हो, लेकिन ये लोग मुझे समझ नहीं सकते। सिर्फ जो मेरे भक्ति में जुड़ते हैं वो ही मुझे समझ सकते हैं। ये भक्ति शब्द का धातु शब्द है भज। भज का मतलब है किसी हेतु को ना रखते हुए प्रेम से जो किया जाता है उसको भक्ति बोलते हैं। अब ये खास करके भगवान के लिए ये शब्द भक्ति इस्तेमाल किया जाता है। आजकल अनेक चीज के लिए भक्ति का शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान के लिए किया जाता है। तो भक्त्या तो अनन्या शख्या, अनन्य भक्ति से ही मैं जाना जाता हूं अर्जुन, ऐसे बताते हैं। इसी तरह उद्धव को भी उद्धव गीता में 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं, नमाम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। हे उद्धव, नमाम साधयति योगो, अष्टांग योग करने वाले भी मुझे आसानी से प्राप्त नहीं करते, यम नियम प्राणायाम इत्यादि करने वाले कभी कभी वो हठ योग में ही हट जाते हैं, हटक जाते हैं वो लोग। नमाम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा। सांख्यम का मतलब ज्ञान योग। ज्ञान योग पढ़ते पढ़ते लोग इतने उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी इस दुनिया में फंस जाते हैं। एक बार शंकराचार्य जी चलते चलते उन्होंने एक बुढ़े व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति पाणिनी व्याकरण पढ़ रहा था, संधि विच्छेद इत्यादि करते हुए। उसको देखकर उन्होंने एक गीत गाया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुढ़मते संप्राते संनिहिते काले नहि नहि रक्षति तु कृङ्करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुदमते। उन्होंने बताया कि इतने वृद्धावस्था में तुम पाणिनी व्याकरण पढ़ रहे हो, लेकिन सब सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान गोविंद की नाम लेना, भगवान गोविंद के श्री चरणों में आश्रित हो जाना। तुम उसको बोलकर पाणिनी व्याकरण पढ़ने से तुमको क्या नाम मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा तुमको, समय की बर्बादी मत करो, ऐसे बोला उन्होंने। तो इसलिए भागवत में बताया गया है, एक श्लोक सब लोग पीछे दोहराइए, ये तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये बताते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम, ज्ञान योगी लोग और स्वधर्म निष्ठा करने वाले जो निष्काम कर्म योगी होते हैं और योग योगिक पद्धतियों को अनुष्ठान को फॉलो करने वाले, ऐसे सबका नाम दिया गया है। वो सब लोग अंततोगत्व किसमें आना पड़ेगा, अंते नारायण स्मृति। अगर नारायण की स्मृति में नहीं आ पहुंचे तो वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो अधूरा रह गया उनका मार्ग, ऐसे बताया है। जिस तरह ज्ञानवान के बारे में भगवान बताते हैं, बहु नाम जन्मान नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव की शरण में जाना। तो आप लोग बड़े परम भाग्यशाली हो क्योंकि आप लोगों को भक्ति के पथ में रुचि लग गया है और आप मंदिर में आते हो, नाम जपते हो, अनेक लोग सोलमाला कर रहे हैं देखा मैंने, इसलिए हम लोगों को सही पथ मिला है, लेकिन इसको श्रद्धा पूर्वक अपनाना बहुत आवश्यक है।
एक बार विभीषण ने दो असुरों को बुलाया, उनके हाथ में कुछ पैकेट दिया, बोला कि इसको पकड़ लो और समुद्र को पार करके अयोध्या में जाकर प्रभु रामचंद्र को इसको दे देना। ऐसे तो दोनों असुर समुद्र के अंदर प्रवेश किया। आश्चर्य बहुत हुआ उनको, क्योंकि समुद्र का पानी सिर्फ घुटनी तक था, तो आसानी से समुद्र के बीच तक आ गए। तो आपस में बातचीत करने लगे कि अरे समुद्र इतना गहरा होता है, ये इतना कम दिख रहा है, कारण क्या है? तो ये असुर ने बोला कि देखो हाथ में कुछ तो दिया है, हमने पकड़ा है इसको, इसलिए समुद्र इतना कम पानी वाला दिख रहा है। वो दूसरा व्यक्ति बोला मुझे तो लग रहा है कि समुद्र में पानी कम हो गया है, इसलिए इसे दिख रहा है, ये पॉकेट से क्या होने वाला है। तो उसने उसको फाड़ कर फेंक दिया। जब ही उसने उसको फेंका तुरंत तो डूब गया समुद्र में, एकदम नीचे चला गया, गहराई से 300-400 फुट नीचे चला गया। ऐसे दूसरा व्यक्ति इसको पकड़कर पहुंच गया अयोध्या तक। तो उधर क्या था उस पॉकेट में, उसको खोल कर देखा, प्रभु रामचंद्र राम का नाम लिखा था एक पत्ते में। बस इस तरह राम का नाम पत्ते में लिखने का कथा अनेक कथाएं पढ़ते हैं। और एक कथा मुझे याद आ रहा है, एक बार माँ पार्वती ने बोला दोनों अपने बच्चों को, बेटों को, कौन है उनके बेटे, गणेश और कार्तिकेय, दोनों को बुलाकर बोला कि एक आम मिला है मुझे, बहुत बड़ा मोटा आम, लेकिन मिला मुझे एक ही आम, आप दोनों में से मैं एक को ही दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो सारे दुनिया को घूमकर पहला आएगा मेरे पास, उसको यह आम मिलेगा। तो अगले दिन सुबह कॉम्पिटिशन चालू होने वाला था, तो कार्तिकेय ने अपने वाहन को तैयार कर दिया, मयूर उसको। तो गणेश जी सोच रहे थे कि मेरे पास तो वाहन छोटा वाहन है, मुश के वाहन है, और वो धीरे से चलता है, वो भागता नहीं तेजी से, और सारे दुनिया को घूमना तो मुश्किल बात है, ऐसे वो सोच रहे थे। अगले दिन प्रातः काल में 6 बजे निकल गए कार्तिकेय, ऐसे पूरे दुनिया को घूम कर आने के लिए। तो गणेश जी ने सोचा कि अगर जीवन में कंफ्यूजन हो गया, कुछ द्वंद्व आ गया, हमको मालूम नहीं है क्या करना है, क्या करना चाहिए, गुरु के पास पहुंच जाना चाहिए। तुरंत वो नारद जी के पास पहुंच गए, जाकर उन्होंने पूछा कि नारद जी आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला तुम तो सही व्यक्ति के पास आ गए, तो आप चिंता मत करो। उनने हाथ में ऐसे ही एक पत्ते ऐसे एक रेशम के कपड़े में बांध कर दिया उनको, इसको लेके जाओ तुम्हारे माता पिता के पास दे दो, और माता पिता को प्रदक्षिणा करो 3 बार, और उनको नमस्कार करो, तुमको आम मिल जाएगा, ऐसे बोला उन्होंने। बस इतना ही, लौट गए, अपने माँ के हाथ में दिया उस रेशम की जो कपड़ा से लपेटा हुआ था, उसको दिया, प्रदक्षिणा की, उठकर दो हाथ जोड़कर तो उनको वंदना की। तब शिव जी पार्वती ने देखा कि वो पॉकेट के अंदर क्या था, एक पत्ता था जिसमें राम नाम लिखा था। माँ बहुत खुश हो गई, और पूरा दिन दुनिया को घूमकर शाम को वापस लौटा है कार्तिकेय 6 बजे, बोला कि हो गया अभी ये राउंड मार दिया मैं पूरे दुनिया को। तब माँ पार्वती ने बोला हे वत्स, देखो तुम्हारा बड़ा भाई बड़े बुद्धिमान है, तुमने दुनिया को घूम कर आया ठीक है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने जो किया और भी बुद्धिमत्ता है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में एक बच्चे को जन्म जब मिलता है, माता वो पहली भगवान होती है बच्चे के लिए, उसके बाद माँ उंगली दिखाती है पिताजी को, तो माता पिता दोनों को पूजता है बच्चा, और पिताजी उंगली दिखाते हैं गुरु को, और गुरु उंगली दिखाते हैं ईश्वर भगवान को। इस तरह ये तुम्हारे बड़ा भाई इतना बुद्धिमान है, चारों की उपासना की है उसने, पहले पहुंच गया नारद जी के पास, तो हमारे परिवार के गुरु हैं, तो उन्होंने इसको राम नाम दे दिया, राम नाम भगवान से अभिन्न है, वो इनको मिल गया, तो भगवान भी मिल गए, गुरु भी मिल गए, और माता पिता को भी प्रदक्षिणा कर दिया, और उनको जो नाम मिला उसको हमको दिया, इसलिए गणेश को ही आम मिलेगा। और तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस है, गणेश के पास कैरेक्टर है, जानते हैं कॉम्पिटेंस को क्या बोलते हैं, तकनीकी
विद्या है तुम्हारे पास, तुमको मालूम है कैसे पूरा दुनिया घूमना, वो तुम जानते हो, लेकिन पूरे दुनिया कौन है तुम्हारे लिए? चार ही लोग हैं, माता पिता गुरु और भगवान। इनको किसने, जिसने कुछ कर दिया बस उसने अपने जीवन में सार्थकता को तो प्राप्त कर लिया, ऐसे बोल समझ रहे। उधर भी इस तरह राम के नाम का महिमा आता है, ऐसे सुनते हैं। तो एक परम पूज्य नवगेंद्र स्वामी महाराज करके एक महाराज हैं इस काल में, वो जब पुणे में आए थे एक सुंदर गीत गाया उन्होंने, उन्होंने गाया मृदंग आपके पास, हरि से पढ़ा हरि काना, हरि से पढ़ा हरि काना, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, जट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि काना, हरि से बड़ा हरि काना। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिन पे नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बना हरि राम। कितने लोग समझ गए तीनों लाइन? आधा ही लोग समझे। ये सरल हिंदी है। पहले बताते हैं कि एक समुद्र को पार करने के लिए प्रभु रामचंद्र को सेतु बंधन की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान को जरूरत पड़ा क्या? उन्होंने क्या किया? लांग दिया उन्होंने, क्या बोलकर? जय श्री राम बोलकर। ये नाम की महिमा है, ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं कि जिन लोगों के हृदय में भगवान राम का नाम है, वो लोग बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, और जो लोगों को भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो लोग इस भवसागर में, संसार सागर में डूब जाते हैं। और पत्थर भी जो जिंदा भी नहीं है, उसमें जो राम राम नाम लिखा है वो भी तैरता है, ऐसे बताते हैं। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं, द्रौपदी थी हस्तिनापुर में, भगवान थे गुजरात में, लेकिन द्वारका में थे भगवान। जब द्रौपदी ने जोर से पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीचंद वल्लभा, हे द्वारका वासिन, ऐसे पुकारा उन्होंने, तो तब भगवान एक सोने के थाली में भोजन खाने के लिए चालू करने ही वाले थे। सत्यभामा बैठी थी निकट, हाथ में एक चामर लेकर भगवान ने उस थाली को हटा दिया। खड़े हो गए भगवान, पूछा सत्यभामा ने, क्या हो गया स्वामी? बोले, गंभीर मामला, कोई मेरे भक्त जोर से मेरे नाम पुकार रही है, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा अभी। अप्रकट हो गए उधर से, और उधर हस्तिनापुर में उधर प्रकट होकर उन्होंने ऐसे असीमित मात्रा में साड़ी दी उनको, द्रौपदी को, उनके मान को बचा दिया भगवान ने ऐसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं, पुकार रही है भगवान का नाम हस्तिनापुर में, लेकिन भगवान द्वारका से एक क्षण मात्र में आप पहुंचे ऐसे। जिस तरह हम लोग अगर अमेरिका में किसी के साथ बात करना हो,
हम क्या माध्यम से बात करते हैं, इधर से सिर्फ चिल्लाएंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन हम मोबाइल में बात करते हैं। एक मोबाइल लेकर नंबर लगा दो, तुरंत जो भी हो अमेरिका में उनसे कनेक्शन लग जाता। इसी तरह भगवान के साथ कनेक्शन लगाने के लिए हरिनाम है, ये आध्यात्मिक मोबाइल। और ये हरिनाम हॉट, इसको हॉटलाइन बोलते हैं। क्यों हॉटलाइन है? 24 घंटे में कभी भी आप ये बुला सकते हैं ये नाम ऐसे। गजेंद्र ने भी ऐसे ही पुकारा, गजेंद्र के पांव को पकड़ा था एक मगरमच्छ ने। सोन्तस्य रस्युर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कवुपात चक्रं उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणं अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ये गजेंद्र के बारे में बताया गया कि सोंत सरस उरुबले न गृहीतार्थो, एकदम जोर से पकड़ा था उनके पांव को एक मगरमच्छ ने, ये हाथी के पांव को। देखिए भारत में ये गजेंद्र मोक्ष बहुत प्रसिद्ध है, अनेक लोग प्रातः काल में उठकर इसका इन प्रार्थनाओं को उच्चारण करते हैं। गोरखपुर प्रेस के लोगों ने एक छोटा किताब भी निकला है गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं का। जो श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं कि जो प्रातः काल में इसका उच्चारण करेगा उसको वैकुंठ प्राप्ति होगा। तो उसके उन प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना आता है, सोन्तस्य रस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्पति हरिम कवुपात चक्रम। ऐसे रोते हुए आसमान की ओर मुड़कर वो अनेक प्रार्थनाएं बोल रहा था। उस समय भगवान नारायण ये गरुड़ के ऊपर सवार होकर चक्र हाथ में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ रहे थे। उनको देखते ही गजेंद्र ने सोचा, अगर मैं घर में होता तो कुछ सेवा कर पाता, इधर तालाब में हो, अभी क्या दे सकता हूं इनको, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर में रो रहा हूं। तब इधर उधर मुड़कर देखा, उस तालाब में एक कमल था, उसको उखाड़ कर भगवान को अर्चना कर दिया उसने। भगवान और भी प्रसन्न हुए गजेंद्र से, क्योंकि ऐसे संकट की परिस्थिति में भी भक्ति को छोड़ा नहीं उसने। हम लोग कभी कभी संकट की परिस्थिति में बोलते हैं कि थोड़ा पहले परिवार को सेटअप करते हैं, 3-4 साल के बाद हम भक्ति चालू करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 80 के बाद चालू करेंगे। लेकिन गजेंद्र देखिए संकट की परिस्थिति में भी वो भगवान का नाम भी लिया और अर्चना भी किया उसने। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पांव को अगर एक कुत्ता पकड़ता है तो जपमाला में जप करना थोड़ा मुश्किल है, करेक्ट है ना? कितने लोग मानते हो, करेक्ट है? पहले हम बोलेंगे अरे पहले कुत्ते को हटाओ पहले। लेकिन सर मगरमच्छ काट रहा है, लेकिन वो नाम भी ले रहा है, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, नमस्कार कर रहा है इसे। तो इस तरह भगवान को पुकारते समय ये भगवान के नाम को भूल गया था, क्योंकि पूर्व जन्म में भक्त था। अभी आसमान की ओर मुड़कर बोला कि आदि पुरुष, सब जीवों के परम पिता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सब जीवन के पालन पोषण करता, सब जीवों के स्वामी, आप जो भी हो आओ, ऐसे पुकारा उन्होंने। तब जब नारायण गरुड़ के ऊपर सवार होते आए, उनको देखते ही इनको भगवान का नाम याद आ गया। तब नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते से पुकारा। तो हम देख सकते हैं भगवान के नाम को इस दुनिया में भी कोई पुकारता हो, परलोक से भगवान प्रकट हो जाते हैं, या तो अपने भक्तों को भेज देते हैं तुरंत। महापापी अजामिल ने भी ऐसे ही पुकारा था ना, निस्सहाय भावना से मृत्यु शैया में जब यमदूतों को, यमकिंकरों को देख कर डर के मारे अपने छोटे पुत्र को पुकारा उसने, नारायणा, जोर से पुकारा, लेकिन नारायण ने नाम सुन लिया। तुरंत नारायण ने बोला, अपने अपने भक्तों को बोला, तुरंत जाओ, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। भेज दिया विष्णु दूतों को उन्होंने ऐसे। विष्णु दूत आकर अजामिल को, यमपाश को काट कर यमदूतों से बचा दिया। तुरंत उसको वैकुंठ प्राप्ति नहीं मिली, क्योंकि बड़ा पापी था वो। लेकिन आने वाले 12 साल पश्चाताप करके हरिद्वार में जाकर एक विष्णु के मंदिर में भर्ती होकर पुजारी बना, संत महात्माओं की संग किया, गंगा में नहाया, गीता भागवत के अध्ययन किया, रोज नाम जपा,
12 साल करके उसको वैकुंठ प्राप्ति हुई अजामिल कुंवारी से। इस तरह हम लोग भी भगवान के नाम हमको जो प्राप्त हुआ है उसके ऊपर अटूट श्रद्धा को जगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक बच्चा होता है, मासूम बच्चा, उसको माँ के ऊपर पूरा श्रद्धा है। कभी कभी माँ बच्चा बहुत शरारती करता है तो कभी लाफा भी देती है, वो रोता है लेकिन माँ के पाँव को ही पकड़ता है वो, है उसको मालूम है कि कहीं और जाने के लिए मेरी जगह है ही नहीं है। इसी तरह हम लोग जीवन में सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, कुछ भी परिस्थिति हो, हम भगवान के पास ही दौड़ना चाहिए हर एक जीव को। ऐसे हम ब्रजवासियों से सीखते हैं। आप देखेंगे ब्रजवासी लोग जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की तब भगवान कृष्ण के पास भागते हुए गए, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नातम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिता भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल गोविंदा, हे कृष्ण, ये देवता जो है इंद्र बहुत नाराज हो गया हम लोगों से, ऐसे बारिश कर रहा है, एक एक बूंद हाथी जैसे गिर रहा है नीचे, इसलिए हम लोग अपने गाय बछड़ों को लेकर आपके पास आ पहुंचे हैं, इन गाय बछड़ों को बचाइए। इस तरह बोलकर ब्रजवासी लोग कृष्ण के पास आ गए प्रेम से उनके नाम पुकारते हुए। आप देखेंगे आनंद में और तकलीफ में ब्रजवासी लोग कृष्ण को ही स्मरण करते हैं, कभी भूलते नहीं। तो हम लोग जब नाम प्राप्त हुआ, हम लोग नाम जपते हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि निष्ठावान भक्ति प्राप्त होने के पहले 5 बड़े बाधाएं आते हैं, उनके बारे में संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगा। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वादा, ये 5 चीज है। पहला चीज है लय। लय का मतलब क्या है? नींद आना। जैसे कभी कभी क्लास सुनते सुनते कुछ लोगों को नींद आ जाता है, कभी कभी नाम लेते लेते मुंह बंद हो जाता है, नींद आ जाता है, हो सकता है रात को सही ढंग से नींद नहीं हुआ, वो कारण हो सकता है। नहीं तो कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम है, कुछ व्याधि है, इसके गैसेस उत्पन्न होते हैं, नींद आ जाता है। कभी कभी अरुचि है जिसके कारण नींद आ जाता है। इसे कुछ भी कारण हो लेकिन अगर नींद आ गया, नाम रुक गया, तो हम उठ जाते हैं और चलते चलते नाम लेते हैं, और चलते समय भी ज्यादा चलना नहीं चाहिए। ज्यादा दूर चलेंगे ना, आप इधर उधर देखेंगे, कौवा देखेंगे, बंदर देखेंगे, सड़क में आने जाने वाले लोगों को देखेंगे, ऐसे सड़क में चलते चलते नाम अच्छी तरह नहीं हो सकता है। एक ही छोटे कमरे में इधर से उधर, उधर से इधर चलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, तो वो अच्छा थोड़ा ऐसे चलते चलते जागरण होगा उसका, नींद नहीं आएगा उसको, वो नाम जब कर पाएगा वो, ऐसा करना चाहिए। और नींद आलसीपन के कारण भी आता है, कभी कभी हम आलसीपन हो जाता है, तो थोड़ा पानी, आंखों में पानी डालने से, मुख में पानी रखिए, आंखों में पानी डालिए, क्योंकि आंख बड़ा हो जाता है, पानी डालने के बाद पूरा जग जाते हैं हम, तो किसी नींद के बिना नाम रटना चाहिए, उसको सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक उस नाम को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा चीज है दया, विक्षेप। विक्षेप का मतलब क्या है? मन बहुत भागना। ये बहुत प्रसिद्ध चीज है, अनेक लोग जानते हैं, अगर नाम जप के लिए बैठते हैं तो मन बहुत भागता है इधर उधर। कभी कभी हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, काश ऐसे होता तो अच्छा होता था, ऐसा हो गया है, मुझे इतना ही मार्क मिला, उतना मिलता तो और अच्छा होता है। ऐसे भूतकाल में अगर किसी को नुकसान हो गया, प्रॉफिट नहीं मिला, लॉस हुआ, तो उसके बारे में शोक करता है। कभी कभी भविष्य के बारे में सोचकर स्वप्न करता है, अगर ये होगा तो अच्छा होगा भविष्य में, ऐसे है। तो इस तरह मन बहुत भागता है। ऐसे बताया गया कि मन रूपी पंछी का 2 पंखे हैं। क्या है 2 पंखे? एक भूतकाल, एक भविष्य का। ये 2 पंखों को काटिए और पंछी नीचे आ जाएगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जपा के समय हमारे हम ये साक्षी बनकर
हमारे मन की गति को देखना चाहिए। अगर मन भूतकाल में जाता है, भविष्य में जाता है, तो मन को बोलना चाहिए अभी नहीं, तुमको जो भी भूतकाल भविष्यकाल के बारे में सोचना हो माला होने के बाद, अभी नहीं, बोल देना चाहिए मन को। अभी सिर्फ नाम रटना और सुनना बस, ये मन को ऐसे ये करना चाहिए। और एक चीज है, मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होते हैं, इच्छाएं प्रकट करता है मन, ये करना है वो करना है, हमारे आकांक्षाएं हैं अभिलाषाएं हैं हमारे मन में। इसी तरह मन में, मन जैसे बंदर एक डाली से दूसरे डाली में कूदता है, इस तरह हम लोग दिन में जो भी क्रियाएं करते हैं उसका विचार जपा के समय आता है मन में, उस समय वो विचार हाथ उठते हैं मन में। इसलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं, क्या चिंता है मन में, तो उसको दिन में सुलझा देना चाहिए और मन को एक शांत रखना चाहिए। तो आप देखेंगे अष्टांग विधि में यम और नियम दो चीज बताया गया है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः शौच संतोष स्वाध्याय जप ईश्वर प्रणिधान नियमाः। 10 चीज आइटम बताते हैं। अहिंसा का मतलब है दूसरे जीवों को क्लेश मत दो, अगर मैं पड़ोस वालों को चिमटी देगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो भी चिमटी देगा मुझे। इस तरह परजीवों को जो क्लेश देता है उसका मन शांत नहीं रहता, इसलिए अहिंसा। सत्य का मतलब झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से क्या होता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग झूठ बोला तुमने, तो कल वो लोग निकट आएंगे आपको पता नहीं चलेगा किसको क्या झूठ बोला मैंने, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सत्य बोलो। अहिंसा सत्य। अस्तेय का मतलब है दूसरों के सामान का चोरी मत करो, और जो दूसरों के लिए क्रेडिट है उसको चोरी मत करो, जिन लोगों को क्रेडिट देना उनको क्रेडिट दो, अस्तेय बोलते हैं इसको। क्योंकि अगर दूसरों, अगर किसी और ने कुछ अच्छा काम किया तुमने नाम लिया, बाद में तुम्हारा बदनाम होगा, इससे मन विचलित होगा तुमको। चौथा बताते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का मतलब है भगवान, चर्य का मतलब जिसका मन हमेशा भगवान के सोच विचार में लीन है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं उसको। इसलिए हमें भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत की लीलाओं को जब श्रवण करते हैं स्वप्न में भी ये लीलाएं स्मरण आएंगे हमको। हम पढ़ना ही नहीं चाहिए, सुनाना भी चाहिए दूसरों को। आख्यातानी या प्यदीतानी भागवत में बताया गया है, जो पढ़ेगा समझेगा रमेगा दूसरों को रमाएगा उसमें, उस व्यक्ति की रुचि बढ़ जाता है, इस तरह बताया है। भागवत के साथ साथ हमें सेवा भी करना चाहिए, सेवा करने से शुद्धिकरण जल्दी होता है। इस तरह हम लोग हमेशा सदा भगवान के चिंतन में लीन रह सकते हैं। और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, बहुत ज्यादा इकट्ठित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इकट्ठित करने से उसका मेंटेनेंस में समय जाता है। एक परिवार था, वो 2 BHK में रहते थे वो लोग, 2 BHK। बाद में पत्नी ने बोला कि घर बहुत छोटा है, एक बच्चा भी हो गया, अभी बड़ा कर लेंगे तो अच्छा है। पति ने बोला चलो ये इंडिपेंडेंट बड़े बंगलो ले लेते हैं, बंगलो ले लिया, इतने बड़े हॉल था। पत्नी ने पूछा कि ये हॉल तो फुटबॉल ग्राउंड से दिखता है, इतना खाली खाली दिख रहा है, टीवी लेकर आओ, फ्रिज लेकर आओ, वॉशिंग मशीन लेकर आओ, सोफा लेकर आओ, ऐसे सब लाकर भर दिया हॉल को। जब टीवी काम नहीं कर रहा था, पत्नी ने बोला टीवी रिपेयर करके लेके आओ, वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा, वॉशिंग मशीन रिपेयर करके लेकर आओ। तो जितना वो लोगों ने सामान बढ़ाया, घर का आकार बढ़ाया, उतना उनका मेंटेनेंस भी बढ़ गया। इसलिए अपरिग्रह बोलते हैं, उसका मतलब बोलते हैं कि आपकी जरूरतों को कम रखो तो आपको भजन करने के लिए समय मिलेगा, ऐसे बताते हैं। आगे बताते हैं शौच संतोष स्वाध्याय जप ईश्वर प्रणिधान नियमः। शौच का मतलब है आपके घर साफ सुथरा रहता है, कपड़े भी साफ सुथरा है, आपके मुख से भी अच्छे शब्द निकलते हैं, आपके मन भी चित्त को भी आप शुद्ध रखते हो भगवान को, भगवान के चिंतन में। इस तरह हम सब चीजों को शुद्ध रखने से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति बहुत आसानी से प्राप्त होता है। कारण क्या है, अशुद्धता तमोगुण का प्रकटीकरण है अशुद्धता, इसलिए शौच बोलते हैं। और संतोष का मतलब है तृप्ति। इस दुनिया में आप देखेंगे आपसे बढ़कर कुछ लोग और खूबसूरत हैं, और आपसे भी और कुछ लोग कम खूबसूरत हैं,
आपसे कोई व्यक्ति ज्यादा धनी है, कोई व्यक्ति आपसे कम धनी है, करेक्ट है ना। भगवान ने हम सबको एक परिस्थिति में डाला है, उसमें संतुष्टि चाहिए। इसका मतलब है कृतज्ञ होनी चाहिए। ठीक है भगवान, हमको दो हाथ दो पैर आंखें कान सब ठीक दिया आपने, अच्छा माता पिता दिया है, अच्छा पढ़ाई दिया है, और भक्तों का संग भी प्राप्त हुआ है, हम भोजन की कुछ कमी नहीं है, हम लोग दिन में तीन बार खाते हैं, कुछ लोगों को तीन दिन में भी एक बार नहीं मिलता है कुछ लोगों को है? तो इस तरह जो भी भगवान ने दिया है उसमें कृतज्ञता जब होता है तब हम संतुष्टि प्राप्त होता है। इस तरह शौच संतोष स्वाध्याय का मतलब है, जैसे गीता भागवत का अध्ययन, जप का मतलब भगवान के नाम जप, और ईश्वर प्रणिधानी, हमेशा समझना चाहिए कि हम सब भगवान के ऊपर निर्भर हैं, सब हमारे हाथ में नहीं है, हम बीज बोते हैं भगवान बारिश देते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, ये समझना। इस तरह इन चीजों को करने से मन शांत होता है, ये 10 आइटम को करने से ऐसे बताते हैं, ये भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं उनकी चैतन्य शिक्षामृत में, इन आइटम्स को अपनाने से मन शांति भी होता है, मन बहुत स्ट्रांग भी बनता है, एकदम। मन स्ट्रांग का मतलब क्या है, आसानी से प्रलोभनों से वो भटक नहीं जाएगा वो ऐसे। और भी मन को संयमित करने के लिए अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तरीका दिया है, जैसे एक गोविंद दास वो बोलते हैं मन को कैसे संयम करना, बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय करणारविंद रे, बजहु अभय करणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ये भव सिंधुरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, बजहु रे मन श्री नंद तो बता रहे हैं गोविंद दास, मन को कजोल करना चाहिए। कजोलिंग का मतलब क्या है, मन को प्रेम से समझाओ, जैसे बच्चे को माता पिता समझाते हैं। अगर बच्चा बहुत हट करता है, सोता नहीं, तो उसको कभी गोद में ले लेते हैं, उसको मनाते हैं, फिर बच्चे सो जाओ बेटा, कल सुबह उठना पड़ेगा, तुमको स्कूल जाना है। इस तरह हम मन को बोलना चाहिए, हे मन भगवान कृष्ण की नाम को बजो, बजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे, भगवान का नाम भजन करोगे तुमको अभय प्राप्त होगा, तुमको दुर्लभ मानव शरीर मिला है, इसका दुष्प्रयोग मत करो, ऐसे प्रेम से मन को समझाना, ये गोविंद दास बताते हैं।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, अगर मन हरिनाम में अगर लगन नहीं आता है, मन में मन बहुत भटकता है, तो उसको जूते लेकर मारो, ऐसे बोलते हैं, पट पट मारो। कैसे मारना है, मारने का तरीका क्या मालूम है आपको? 16 माला के बदले 32 माला करो, ये जूते मारना। डर जाएगा मन, मन को बोलो देखो ये माला करते समय तुमने ध्यान नहीं लगाया, बहुत भटक गया, तो इसको छोड़ दूंगा और एक बार करूंगा वही माला। तो मन ध्यान पूर्वक सुनना चालू हो जाएगा उसको। मैं कुछ दिन 20 माला करता हूँ, कुछ दिन 24 माला करता हूँ, कभी 32 भी करता हूँ। तो ये करने से क्या होता है, अगर माला आज सुबह उतना अच्छा नहीं हुआ, दिन में और 8-10 माला कर लेता हूँ मैं, तो मन डर जाएगा, अरे प्रातःकाल में जो माला है उसको ही अच्छा कर लो ताकि बाद में नहीं करना पड़ेगा। ये बक्सांसर ठाकुर का टेक्निक है। और प्रभुपाद जी का टेक्निक क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मन खींचता है आपको, उसको नकार दो। जैसे उदाहरण के लिए, कभी कभी एक छोटा लड़का है, छोटा छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ऐसे बच्चे वो एक घुमाते हैं, आपने डरे 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 ऐसे आवाज करने वाला एक खिलौना होता है, कितने लोग जानते हैं, देखा आपने, करेक्ट। तो बच्चों को आवाज अच्छा लगता है उनका, तो मालूम आपको मालूम है, देखा वो, तो बच्चा डर डर करता है, तो दादाजी जो बैठे हैं उनको अच्छा नहीं लगता वो आवाज, अरे सर दर्द होता है आवाज मत करो, वो इधर से उधर जाएगा, उधर जाकर डर डर करेगा वो, क्योंकि वो उसके दादाजी जब बोलते हैं अरे करो मत बोलते, वो करता रहेगा वो। तो कोई अभी दादाजी को क्या करना चाहिए, वो डर डर कर रहा है ना, ऐसे मुड़ लेना चाहिए, कहीं और देख लेना चाहिए, उसको नकार दो, तो वो छोटा बच्चा देखेगा दादाजी को कुछ नहीं हुआ, वो चला जाएगा वो। इस तरह मन को नकारने से क्या होता है, मन शांत हो जाता है, इग्नोर द माइंड, ऐसे ध्यान मत दो। एक बार मधुमंगल देखा कि उसके सखा के पास, दूसरा सखा था उसके पास लड्डू बहुत था उसके प्लेट में, तो मधुमंगल लड्डू चाहिए था, उसने क्या किया, अपने सखा मित्र को बोला हे देखो देखो वो बंदर पेट में डाले में ऊपर उल्टा लटका है वो देखो। तो मित्र देख रहा था, हंस रहा था, वो हंसते हुए देख रहा था, इसका लड्डू गायब हो गया उसका। इस तरह आप देखेंगे सारे एडवर्टाइजमेंट में लोग क्या करते हैं, स्टेशन में एयरपोर्ट में पहला क्या करेंगे वो लोग, आवाज करेंगे है? आप देखेंगे वॉशिंग पाउडर निर्मा ऐसे कुछ बोलेंगे है? तो आवाज सुनकर आपका आंख उधर जाएगा, और उसके बाद टेलीविजन आप देखेंगे बोलेंगे कि खरीदो, करेक्ट है। आपके दो चीज को वो लोग आकर्षित करते हैं, आपके आवाज एक साउंड कान के लिए और दर्शन आंख के लिए, इसलिए ये दो अवयवों को हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। हमें आंख को भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, दोनों आंखों को ये नाक के टिप के ऊपर ध्यान करो, अगर हम करेंगे तो कभी सर दर्द होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ एक आंख को बंद करो, दूसरे आंख को इधर टिप में देखना, तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसे कर दिया कोई दिखेगा ही नहीं आपको, और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको आंखों से ऐसे। तो जब से मैंने ये चालू किया बहुत अच्छा ध्यान होता है नाम जपते समय। और दूसरा है कान जो है उसको कुछ आवाज नहीं होना चाहिए, आवाज होने से क्या होता है मन भटकता है। जैसे विश्वामित्र बैठ कर ध्यान कर रहा था, आवाज सुना, आवाज सुनते ही आंख खोल कर देखा मैंने कहती है, तो कान और आंख दोनों आकर्षित कर दिया उसको है? उसका ध्यान भटक गया, ध्यान छूट गया उसका है? इसलिए कान और ये कान और आंखें दोनों को बचाना चाहिए। प्रभु जी बोलते हैं इग्नोर है? अब देखना नहीं। इसलिए अगर नाम जप करना हो, अगर हम दरवाजे के पास बैठकर नाम करते हैं तो लोग आते हैं जाते हैं, उससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन होता है। हम ऐसे स्थान में बैठना चाहिए जिधर डिस्टरबेंस नहीं होगा अच्छी तरह, और किसी का आवाज भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैं प्रातःकाल में बैठा हूँ जब के लिए, कोई विद्यार्थी जाकर निकट बैठता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे शार्प उसका नाम होता है, सीधा कान में हमारे कान में पहुंच जाता है, तो हम अपना जो नाम बोल रहे हैं सुन नहीं पाते, उसका सुनते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं उठकर चला जाता हूँ उधर से, नहीं तो उसको बोलता हूँ तुम उधर चले जाओ ऐसे।
क्योंकि हम किसका नाम सुनना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए। कुछ लोग प्रभुपाद जी का लगा देते हैं, कुछ लोग जोर से सुन सकते हैं प्रभुपाद के थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में हम खुद बोलकर सुनना चाहिए। तो एक आइडिया तो गोविंद दास का बोला मैंने, दूसरा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तीसरा है प्रभुपाद जी का, चौथा है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर ने वेश्या को क्या किया, उनको बोला कि तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करूंगा लेकिन अभी नहीं, मेरे माला पूरा होने के बाद। ऐसे 3 दिन बोल बोल कर वो वेश्या को रोक दिया। 3 दिन होने के बाद वो हरिनाम सुन सुनकर उसका चित्त शुद्ध हो गया, वो वेश्या भी महान शुद्ध भक्त बन गई वो बेनापोल में, करेक्ट है ना। इस तरह हम लोग क्या करना चाहिए, मन अगर कुछ विचार लेकर आता है तो मन को बोलना चाहिए, देखो तुम्हारे विचार को मैं सुनूंगा कब, अब नहीं माला होने के बाद, 16 माला होने के बाद तुम्हारे सब आइडिया को बताओ मैं सुनूंगा। इसको बोलते हैं हरिदास ठाकुर फार्मूला, करेक्ट है ना, ये चाहता है इस तरह। और इस तरह हम लोग नाम जपते समय मन विचलित भी होता है, भगवान बताते हैं यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम यही तत् आत्मनि एव वशम नये। जब तुम नाम जपते समय मन धीरे 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 भटकेगा, तुरंत मन को पकड़कर वापस लेके आओ, ध्यान से सुनो। ऐसे करते 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 तुम्हारे ध्यान बढ़ेगा नाम। और ऐसे नाम जपते समय हम ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके संबंध में और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए मन जो है कुछ ना कुछ तो विचार आएगा ही मन में है? लेकिन हम अलग अलग विचार करने के बदले कभी हम हमारे नौकरी के बारे में विचार करते हैं, कभी घर वालों के बारे में विचार करते हैं, कभी भविष्य के बारे में विचार करते हैं। ये करने के बदले हमें क्या करना चाहिए, एक प्रार्थनात्मक भावना को लाकर हम कृष्ण से जुड़कर कुछ विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हरि हरि विफले जन्म गवायनो मनुष्य जन्म पाया सदा कृष्ण नवादिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नवरिया कन्या सुनिया विष कायनो दानी जाने या सुनिया विषकायनो जाने या सुनिया गोलो के प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना आते राजन लोके ने हाय रोति राजन लोके ने हाय तिलो हरि नामे उदारि लो हिनाहिन साक्षि जगाये महारा प्रभु नंद सुत विठवानो सुत युता करुणा करो करो तवा रथ कोई नाते लिहो रंगा पो तुम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग नित्य गौरंग जय गीत कितना सुंदर गीत है। बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर हे कृष्ण आपका दिव्य नाम गोलोक से उतर आया है इस दुनिया में हा? हम सब लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट चाहते हैं ये गोलोक से इंपोर्ट हुआ है लेकिन इसमें मेरे मन रति ये मेरे मन में रति नहीं है ये नाम के लिए कितना आभागी हूं मैं और जानिया सुनिया विषय कायन जीवन भर मैंने व्यर्थ गंवा दिया भौतिक कार्यकलापों में तो अभी अभी मैं आपकी भक्ति पकड़ रहा हूँ और आगे बताते हैं कि दुनिया जल रहा है सब जीव तड़प रहे हैं तीन गुणों में इसलिए आप इतने अति कृपालु परम दयालु हो आप गौर निताई के रूप में कृष्ण बलराम आए हो आप और इसका साक्षी क्या है कृपालु का वो बताते हैं कि आप जगह मदाई जैसे पतित से पतित जीवों को भी आप उद्धार करते हो आप यही मेरे लिए आशा है विश्वास है तो आपके श्री चरण में मैं झुकता हूँ और नाम जपते जपते देखता हूँ कि राधा कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं तो मैं उनका आश्रय लेता हूँ उनके श्री चरण ही मेरे लिए एकमात्र आश्रय है इस तरह की भावना अगर हमारे मन में उठता है जपा के समय बहुत अच्छा है इस तरह एक और हमारे पतित अवस्था को भी प्रकट करना चाहिए भगवान को दूसरी ओर मन में आशा भी होना चाहिए कि भगवान आए हैं हरि नाम को लेकर आए हैं और हमारे नाम जब को भगवान सुन रहे हैं और जरूर हमारे हमारे ओर अपने कारुण्य कटाक्ष बरसा रहे हैं ये विश्वास भी होने चाहिए भक्त के हृदय में इस तरह तो इस तरह एक प्रार्थनात्मक भावना को हमने जगा दिया तो मन पूरा उसमें आविष्ट हो जाता है और मेरा अनुभव है खुद का अनुभव है एक बार मैं अघासुर वध के लीला परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के कथाओं से सुना वो अघासुर वध सुना भी और एक हफ्ते वो प्रोग्राम भी बोला भी मैंने जो भी सुना श्रवण किया बहुत अच्छा लगा अघासुर वध की कथा हमने बोला उसके आने वाले एक दो हफ्ते कहीं भी मैं मुड़कर देखा अघासुर ही दिखाई दिया है अघासुर का बड़ा मुख दिख रहा है और कृष्ण अपने गोपालकों के साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं कैसे भगवान ने उनको उद्धार किया ब्रजबाजी हैं पहाड़ हैं वृंदावन हैं पेड़ पौधे हैं कहीं भी मुड़ता हूँ ऐसे हमारा अनुभव हुआ जब हमने सुना है इस तरह भगवान की कृष्णा बुक जो है लीला चेष्टाओं का अगर हम पढ़ेंगे पढ़कर अगर हमारा मन आविष्ट होता है उसमें तो नाम जप में बहुत हमको सहारा मिलेगा सपोर्ट मिलेगा उससे तो इसको ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें आप इंक पेन को ऐसे रखोगे तो उस करके वो स्प्रेड होता है देखा ना आपने इस तरह भगवान की कथा में अगर हमारे मन रुचि के साथ श्रवण करता है तो वो हमारे मन में विस्तृत होकर लगन आ जाता है उसमें श्री श्री राधा मदन मोहन की तो समय की पाबंदी है अभी समय हो गया अभी 5 मिनट ले सकता हूँ कुछ प्रश्न 5 मिनट किसी को एक प्रश्न है तो कुछ पता है कोई पूछिए हरे कृष्णा किसी का प्रश्न है हाथ उठा सकते हैं पीछे इधर एक है क्या हरे कृष्णा प्रभु जी थैंक्स फॉर दी वंडरफुल क्लास प्रभु जी जैसे आपने अभी बताया कि जपा करते समय जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए ट्राई करना चाहिए कि वो उसको हम ध्यान ही ना दें लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो जिस चीज को हम सोचते हैं कि ध्यान ना दें सबसे ज्यादा वही दिमाग में आती है जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है कि डोंट थिंक अबाउट अ ग्रीन एप्पल हरे सेब के बारे में मत सोचो
तो वही बार बार दिमाग में आएगा। तो प्रभु जी हाउ टू ओवरकम दिस? इसका ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में सोचो। ऐसे सब्स्टिट्यूट दिया गया है, जैसे देयर इज मेथड, मूड एंड मेलोस। अभी मेथड के स्तर में अनेक चीज है, ऐसे सीधा बैठो, आंख को थोड़ा ऐसा बंद करके इधर ध्यान करो, कान को संभालो, एक सेक्रेट स्पेस में बैठो, ये सब मेथड्स है। अभी मूड जो होता है उसके बारे में मैंने बताया, हरिनाम, ये जो वैष्णव के गीत में मूड मिलता है, उन गीतों को हम गा सकते हैं नाम जपा शुरू करने के पहले, तो एक अच्छा एक माहौल बन जाता है। साथ साथ जब आंख बंद करते हैं, आपको धाम में सबसे प्रिय स्थान जो है, उदाहरण के लिए मेरे लिए बहुत प्रिय स्थान है कुसुम सरोवर। मैं कुसुम सरोवर की सीढ़ी जो होता है ना, वो बड़े तालाब है उधर, वो सीढ़ी में बैठकर मैं नाम जप करता हूँ। मेरा दूसरा बहुत प्रिय स्थान है गोविंद कुंड, क्योंकि गोविंद कुंड में अगर हम पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं तो गिरिराज बहुत निकट है उधर। तो आपको भी, आपको यात्राओं में जो स्थान बहुत पसंद आए आपको, आग बंद करके उस स्थान को याद करके आप मन में इससे विचार कीजिए कि मैं उस स्थान में पहुंच गया हूँ, मैं उधर बैठा हूँ, उधर ही कुसुम सरोवर में उद्धव घाट को देखते हुए मैं जप कर रहा हूँ। ये इस वाले ने सचनंद महाराज जी इस आइडिया को बता रहे हैं उनके लिविंग नेम नाम के किताब में बता रहे। यू कैन एक्चुअली लिव इन द होली प्लेस इन योर माइंड, ऐसे कर सकते हैं। तो आपने एक स्थान भी फिक्स कर लिया मन में, और इस तरह के वैष्णव गीत गाकर एक मूड भी प्राप्त कर लिया, उसके बाद हरिनाम में मन लगता है। अगर हरिनाम में हुक हो गया, बाकी सब चीज आउट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा आपने बताया हुआ कि अभी आपने लय और विक्षेप दो चीजें बताया हुआ था, आपने फाइव थिंग्स बोला हुआ था, तो बची वाली थिंग्स और कौन सी चीजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे लिए, और हमारे लिए क्वालिटी लेवल पे अपने नाम का जब बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए सबकी समस्या, मेरी तो समस्या है, तो ये बहुत अच्छा सेशन। लय विक्षेप अप्रतिपत्ति और रसास्वाद कषाय रसास्वाद, मैं बता देता हूँ तीन क्या क्या है। अप्रतिपत्ति का मतलब क्या है, उसमें नींद भी नहीं है, मन भी भटकता नहीं है, लेकिन लगन नहीं है। और लगन क्यों नहीं है, जैसे कुछ कुछ लोग आंखें पूरा खुला है, नींद नहीं आ रहा है उनको, और मन भी इधर उधर भटकता नहीं, लेकिन हरिनाम में रुचि नहीं है, लगन नहीं है। उसका कारण है कुछ भौतिक आसक्ति है, दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शन मीन्स अल्टरनेटिव अट्रैक्शन, उस तरह और कुछ आ सकते हैं। जैसे बक्सन सिंह ठाकुर एक कहानी बताते हैं, एक मैरिज पार्टी रात को एक बोट में बैठ गए, पूरा रात वो चला रहा था, वो अगले दिन प्रातःकाल में देखा उसी स्थान में जैसे कि वैसे थे। कारण क्या है, उन्होंने लंगर को निकाला नहीं, तो लंगर बोलते हैं उसको, दैट एंकर, एंकर उसको निकाला नहीं, हाँ, इसके कारण जैसे कि वैसे उधर ही रहा वो। इसी तरह हमारे भौतिक आसक्तियाँ होते हैं, तो भौतिक आसक्तियों से छूटने के लिए उपाय क्या है, अनेक लोग पूछते हैं। इसको दो चीज बताया गया, एक है महान भक्तों के पास जाकर संग करना चाहिए और उनके साथ जपना चाहिए, और दूसरा है शास्त्रों को पढ़कर उनके उनके ऊपर विचार करना चाहिए। चित्रकेतु की कथा, धृतराष्ट्र की कथा, जो लोग आ सकते थे आसक्ति से कैसे छूटे, उसको पढ़ने से हमारा भी आसक्ति छूट जाएगा, ये बताया है। ये अप्रतिपत्ति। और चौथा है कषाय। कषाय का मतलब है भक्त बनने के बाद भी नाराज होना, भक्त बनने के बाद भी लोभी रहना, इस तरह है। तो ये आदत है से छूटने के लिए हम तमोगुणी रजोगुणी भक्ति से हम उठकर हमें सत्वगुण के स्तर पर आना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि अभी भक्त बन गया हूँ, तिलक पहना हूँ, कुछ कुछ लोग डांटते हैं, हरि बोल, आओ इधर, ऐसे बोलते हैं। हरी बोल तो प्रेम से बोलना चाहिए, हरी बोल ऐसे बोलना चाहिए, हरी बोल ऐसे बोलते। तो अभिसंधाय यो हिंसां धम्मं मत्सर्यमेव संरम्भे भिन्न दृग्भावं सा भक्ति तामसम उच्यते। तामसिक भक्ति के बारे में कपिल देव बताते हैं तीसरे स्कंद में। अभिसंधाय यो हिंसां, वो अपनी भक्ति से दूसरों को हिंसा करता हो, दम्भम मतलब दाम्भिकता, मत्सर्यम दूसरों की
उत्कर्ष से जलना, संरम्भी क्रोधी, भिन्न दृक् भावम का मतलब है गुरु और हरिगुरु वैष्णव के पथ को पकड़कर ना चलकर हटकर कुछ मनमानी करना, तो ये सब चीज तमोगुणी भक्ति है। इसको ही बोलते हैं रसास्वाद, अच्छा इसको कषाय बोलते हैं, कषाय बोलते हैं इसको। तो सत्वगुण में जितना हम ऊपर उठते हैं, सत्वगुण पर आ जाते हैं, धीरे धीरे ये सब छूट जाएगा। इसके लिए सत्वगुण में हमको आने के लिए गीता के 14, 15, 16, 17 अध्याय पढ़ना चाहिए गीता में, और भागवत के 11वें स्कंद का 25वां अध्याय, 11th canto 25th chapter, तीन गुणों के बारे में है। उसमें भगवान कृष्ण उद्धव को 10 आइटम बताते हैं जो बदलने से गुण बदलता है, सत्वगुण में आ सकते हैं हम। तो ये हो गया कषाय। पांचवा रसास्वाद। रसास्वाद का मतलब क्या है, हरि कथा सुन रहे हैं, भगवान हरि की दर्शन भी कर रहे हैं, अचानक इंद्रिय तृप्ति का विचार आ जाता है मन में, अचानक, क्योंकि बुरे विचार अचानक उठता है मन में, गंदे विचार। तो कभी कभी भक्त लोग रोते भी हैं, क्यों इस तरह बुरे विचार उठते हैं मन में, हम तो भक्ति में आ गए। तो इसका कारण क्या है, अगर एक स्याही का एक बॉटल हो, उसमें अगर आप पानी डालिए, पूरा का पूरा नीला बन जाता है पानी, तो उसको फेंक दो, वापस पानी डालो, वो भी नीला बनता है, लेकिन नीलिमा कम होगा। ऐसे पानी डालते डालते क्या होगा, नीलिमा पूरा निकल जाएगा, पानी एकदम साफ सुथरा रहेगा वो। इसी तरह हम कान में नाम डाल रहे हैं, यन नाम शुद्धि मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, ऐसे बताते हैं, चित्त निर्मल होता है लेकिन तुरंत नहीं होता है। जब नाम घुसता है अंदर, पहले गंदगी को निकालता है वो, इसलिए गंदगी आता है। डरना नहीं चाहिए हमको। जैसे अगर आपने एक आपके गोडाउन था घर में, उसको खोल कर आप झाड़ू मारना चालू करो, धुआं धूल धूल चालू हो जाएगा, सब लोगों का काशी होगा। लेकिन वो धूल चालू होना तो स्वाभाविक है, लेकिन बाद में धूल नहीं रहेगा। इस तरह हरिनाम लेते समय रसास्वाद, कभी इंद्र तृप्ति का भी विचार आता है, ऐसे विचार आता है तो उसको नकार कर हम सब विचारों को कल्टिवेट करना चाहिए, अच्छे संस्कारों को। ऐसे तो हम चेतना में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस है, सो कॉन्शियस को बदल सकते हैं, बदलने की क्षमता है हम में। तो एक छोटे कहानी बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। एक बुद्धिस्ट गुरु थे, उनके पास एक शिष्य ज्वाइन किया, तो वो बोला गुरु को, बड़े बहुत बुरे विचार आते हैं मन में, गंदे गंदे विचार आते हैं गुरु जी, बोला। तो गुरु जी ने बोला, जब गंदे विचार आता है ना, ये जो गड़ा दिया उन्होंने उसमें काला पत्र डालो, जब असद विचार उठते हैं तब ये एक सफेद पत्र डालो। तो ऐसा डाला, 3 महीने के बाद उन्होंने पूछा, कितने पत्र मिले तुमको बताओ? वो बोला, 90% काला पत्र, 10% सफेद पत्र, ऐसे बोला। गुरु जी बोले, ठीक है अभी अभ्यास करते जाओ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ। अभी उन्होंने पूछा, अभी बोला 70% काला पत्थर, 30% सफेद पत्थर। तो ऐसे 5 साल के बाद गुरुजी ने पूछा, रिवर्स हो गया, 90% सफेद पत्थर और 10% काला पत्थर। ऐसे तो इस तरह शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे हुआ? तो गुरुजी ने बोला उसको, तुम अच्छे संस्कारों को देते जाओ, इसको गिगो प्रिंसिपल बोलते हैं, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छे संस्कार देते देते क्या होता है, वो कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस में चला जाता है अंदर धीरे धीरे, तो वो स्वाभाविक बन जाता है हमको। जैसे जल्दी सोना, जल्दी उठना, नाम जप करना, मंदिर में आना, सेवा करना, करते 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 अच्छे संस्कारों को पकड़ लेना चाहिए हमको, उससे जिस रसास्वाद बुरे विचार सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो 5 के 5 पूरे कर दिया। अब देरी हो गया आप लोगों को। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। His grace राधेश्याम प्रभु की। तो प्रभु जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने हरिनाम की महिमा बताई। प्रभु जी ने बताया कि कैसे हम इस भाव सागर में गिर गए हैं, और इस भाव सागर को तरने का एक ही उपाय है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। और प्रभु जी ने बताया कि उसे करने में 5 रुकावटें हैं, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद।
और उसको ध्यान से यदि हम करते हैं तो धीरे धीरे इन रुकावटों से बच सकते हैं। भूत और भविष्य के पर को कतर के हरिनाम जब करते हैं तो अच्छे से हम भगवान के प्रति मेथड, मूड और मेलोस को फॉलो करते हुए भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद देते हैं, साथ ही ये प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह उन्होंने हरिनाम की शरण ली है, हम भी हरिनाम प्रभु की शरण ले पाएं, गुरु वचनों की सेवा कर पाएं। ये प्रार्थना करते हुए प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे। तो अभी